तो चलिए आज मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी दिखाती हूँ, अब फास्ट फास्ट, क्योंकि इतना समय मेरे पास भी नहीं है और आप सबके पास भी नहीं है, तो आप देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं निकालने वाली हूँ 80 से 90 रुपए के टमाटर को मैं आज तोड़ने वाली हूँ, यानी मैं टमाटर की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। तो आपके साथ में मैंने सोचा कि शेयर कर दूँ और आप मुझे ज़रूर बताना। देखो मेरे चेरी वाले टमाटर भी निकल रहे हैं और देखो मेरे यहाँ पर मोटे वाले टमाटर भी निकल रहे हैं, लेकिन बात यह है कि बहुत ज़्यादा खट्टे टमाटर हैं, जो कि आजकल हाईब्रिड आ रहे हैं ना, तो वो इतने बढ़िया नहीं है हाईब्रिड टमाटर। और देखो वहाँ पर जहर भरी स्प्रे भी होती है, तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ चुटकी भर जहर आप हर रोज़ खाते हैं, जो कि पता भी नहीं चलता है, केमिकलों से धुली हुई सब्ज़ी और ये स्प्रे हुई। तो यहाँ पे मेरे पास है ऑर्गेनिक, तो किसे चाहिए मैं बहुत प्यार से अपने घर से आप सबको दूँगी। आप पास से हैं या दूर से हैं, जो भी हैं, ऑर्गेनिक सब्ज़ी आप उगाइए, मैं तो यही रिकमेंडेड करूँगी। और ऑर्गेनिक खाइए, इनमें कोई स्प्रे नहीं है। और देखो भर भर के आ रहे हैं, लद लद के आ रहे हैं, और रोज़ डेली 2 महीने से मैं हार्वेस्टिंग कर रही हूँ इन्हीं पेड़ पौधों से। यहाँ पर मैंने धनिया उगाया है, ये मैंने सारी फुलवाड़ी और मैंने ये सब कुछ फुलवाड़ी यहाँ पर कैरी की है। ये मेरा देखिए फुलवाड़ी में फ्लावर्स आ रहा है, ये सब मैंने अपने हाथों से ही, और ये प्लांट मैंने अभी आपको दिखाया है, ये आप देख रहे हैं धनिया और स्ट्रॉबेरी और प्याज, बहुत मोटी मोटी प्याज का बीज भी हो रहा है, और यहाँ पे बैंगन भी मेरे लग रहे हैं। और ये मेरे सब अपने आप ही मैंने डंडी छुटा के चाकू से और मैंने कलम से ही ब्लेड की मदद से करा था, ये सब जितना भी मेरे गार्डन में आप देखने हैं, तो सब मैं आज तक एक भी पेड़ पौधा नहीं खरीदी हूँ, सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन फ्रूट खरीदी हूँ नर्सरी से, और मैं कुछ भी नहीं खरीदती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि बहुत सारी यहाँ पे भिंडी भी जम रही हैं, ये देख सकते हैं, और पहले मैंने इसमें लगाई थी लेकिन ये हुई नहीं थी, लेकिन अब जो मैंने इसमें लगाए हैं बीज तो यहाँ पे हो रही हैं। अब मेरा देखिए खाद का गमले का बनाने का मतलब, पहले मैंने इसमें 1 इंच की मिट्टी ली है, उसके ऊपर ये जो मेरा गार्डन का वेस्ट है, सूखे सूखे पत्ते और पेड़ हैं, ये सब मैंने डाल दिए हैं, और इसके ऊपर मैंने मिट्टी डाल दी है। गमला मेरा तैयार हो गया है, उसमें मैं कुछ भी बो सकती हूँ पानी डाल के। यहाँ पे फिर करेले की बेल मेरी आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा मैंने पिंचिंग कर दी थी नीचे से, क्योंकि जो और ब्रांचेस थी वो सब निकाल दी थी। और यहाँ पर देखिए पेड़ भी हैं और बीच में एक खरबूजे की बेल भी लगा दी है, तो वो सीधी चली जाएगी और ये पेड़ नीचे ही रह जाएंगे। वहाँ पर मेरे टमाटर अभी ख़त्म नहीं होंगे कम से कम 15 दिन तक करीब करीब, और यहाँ तक 15 दिन के अंदर अंदर ये भी साथ में हो जाएंगे, और भी बारीक बारीक आ रहे हैं जो नए पेड़ मैंने अभी लगाए थे। तो ऐसे ही बस जो पेड़ ख़त्म हो रहे हैं, उन्हें ख़त्म होने से पहले ही आप एक टमाटर में से बीज निकल जाता है उसे ही बखेर देंगे और पानी डाल देंगे ऊपर से, तो वो 3-4 दिन में रिजल्ट आ जाता है टमाटर के पौधे का। ऐसे ही रखते चले जाएंगे दो चार पौधे, और अपने घर से कभी टमाटर जाएंगे ही नहीं, जैसे कि हर सब्ज़ी में टमाटर पड़ता है, तो ऐसे आपको मिलता रहेगा अपने ही किचन से। तो यहाँ पर देखिए मेरी मेथी का बीज मैंने पहले भी निकाल के धर दिया है, अब ये रह रहा है, ये मेथी हरी है, तो इसे भी मैं 1-2 दिन में सुखा के आपके साथ शेयर कर दूंगी, जब मैं बीज इसका मेथी का निकाल के रखूंगी। ये कश्मीरी मेथी यानी कस्तूरी जो अपनी होती है, और ये बेल जो मेरी आप देख रहे हैं, ये मेरी बेल जो है ये देखिए बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि दिन छिप गया है और बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। मैंने सब जगह पानी भी दिया है और इन्हें मैं सपोर्ट दे देती हूँ, एक रस्सी मैंने काटी, रस्सी से मैंने 3 टुकड़े बनाए, और ये जो जाली है ना, जाली और तार, इसके साथ में अटैच कर दी करेले की बेल भी, तोरी की बेल भी और घिया की बेल भी। तो घिया की मैंने बहुत सारी ब्रांचेस निकाल ली थी नीचे से, ताकि ऊपर जाकर फैले, नीचे ना फैले ये, फिर भी ये नीचे से फैलती जा रही है, लेकिन इतनी नीचे से नहीं फैली है, क्योंकि नीचे जगह खाली भी होनी चाहिए और नीचे लग के ना बेल ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस कबाड़े के ऊपर मिट्टी के ऊपर पहले तो किचन वेस्ट डाला, यो गार्डन के जो मेरे पेड़ पौधे निकले थे सूखे हुए पालक के और मेथी के, जो जोड़ा सा था सूखा सूखा, वो डाल दिया, उसके ऊपर मैंने फिर से मिट्टी डाल दी, और यहाँ पे एक बीच में पाइप खड़ा कर दिया। ये है मेरा गमले बनाने का तरीका, ये मैंने पाइप में करे थे होल, एक चक्कू मैंने गर्म करके आँच पे और